As far as developments from a while ago is concerned, relief to the Delhi Chief Minister. The members of the India Bloc are hailing the interim bail granted to the Delhi Chief Minister. West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee has said that she's happy to see the Chief Minister get interim relief, especially in the context of the current elections. National Conference patron Farooq Abdullah has called the order of the court a huge boost for our workers. And Sena UBD leader Aditya Thackeray said this is justice against the dictatorship of the current regime. Arvind Kejriwal is set to walk free in what is being seen as a huge draw for the opposition. The next 21 days could prove to be a game changer for the India Bloc, utilizing Arvind Kejriwal as their campaign muscle. Will the AAP convener, who will soon campaign in Punjab and Delhi, ride on the sympathy wave? आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला आया. चुनाव के प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की राहत अरविंद केजरीवाल को देना एक बहुत ही स्वागत योग्य फैसला है. हम सब लोग इसका स्वागत करते हैं और अब पूरे देश में एक सकारात्मक वातावरण बनेगा. जो अन्याय, अत्याचार और तानाशाही है देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की, उसका अंत होगा. अब देश केजरीवाल का कमाल देखेगा. यह सत्य की जीत हुई है, क्योंकि जिस तरह से बिना किसी सबूत के, बिना किसी एफआईआर के, जिस तरह से अचानक उठा करके मुख्यमंत्री जी को जेल में डाला गया, कि जो इस देश के अंदर हम सबने मिलकर के लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से, वोट की ताकत से इस देश से तानाशाही को खत्म करने का, संविधान को बचाने का, लोकतंत्र को बचाने का जो अभियान चलाया है, अरविंद केजरीवाल जी के बाहर आने से ये और मजबूत होगा. वी वेलकम द इंटरवेंशन बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन ग्रांटिंग द बेल टू मिस्टर अरविंद केजरीवाल. वी ऑल्सो होप दैट द प्राइम मिनिस्टर gets enough time after 4th of June, when he becomes the former Prime Minister of India, to introspect sitting in Sabarmati Ashram at the kind of politics he has indulged into. We hope that the former Chief Minister of Jharkhand, Mr. Hemant Soren, also gets due justice. हमारे साथ इस समय बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला. डॉक्टर अब्दुल्ला, अभी थोड़ी देर पहले सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया है और जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है उनको अग्रिम जमानत मिली है. 1 जून तक उनको जमानत मिली है और चुनाव प्रचार करने पर भी कोई पाबंदी नहीं है उन्हें. क्या कहेंगे आप? मैं बहुत खुश हूँ. मैं सुप्रीम कोर्ट को मुबारक करता हूँ कि उनने अच्छा कदम उठाया और उसको छोड़ दिया कि वो प्रचार कर सके. इसके लिए इसको बंद किया गया था इस हुकूमत ने, इसकी हुकूमत ने. मैं केजरीवाल को भी मुबारक करता हूँ. उम्मीद करता हूँ जो इनके बाकी